बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गाइस, ये मॉर्निंग टाइम है और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, तो बस मैंने सोचा लेट ही रहूँ क्योंकि आज बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था। और बस लेटने के बाद वही काम का जो रूटीन होता है वो एकदम ख़राब हो जाता है। और आज वैसे भी फ्राइडे है, बस मैं यही सोच रही हूँ क्यों मैं लेट गई और क्यों मैं लेट उठी। और इधर बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आ जाओ, चीनी के पराठे बना लो मीठे। मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ क्योंकि इस तरह के पराठे खा खा के बच्चे बोर हो गए थे, तो मैंने सोचा ये बना लेती हूँ बच्चों के लिए। और दोनों बच्चों को ये चीनी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए गाइस, आप इधर मेरी साइड में चाय बन रही है और बस ये लास्ट पराठा रह गया है मेरा। और ये देखिए गाइस, मेरा जल्दबाजी में स्पून भी नीचे गिर गया है और बस मैं ऐसे ही जल्दी से बस घी निकाल के ऐसे ही जल्दी से मैं पराठे पे लगा रही हूँ फटाफट। और इधर देखिए गाइस, मेरा पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं। और ये जो मेरा घी का कंटेनर है इस पर थोड़ा सा आटा लग गया था, इसे भी मैंने क्लीन करके नीचे रखा है। और पराठे मेरे रेडी हो चुके हैं, चाय मेरी बन चुकी है, बस मैं बच्चों से बोल रही हूँ कि जल्दी चलो फटाफट आओ क्योंकि बच्चे भी काफ़ी टाइम लगाते हैं, ठंडे हो जाएंगे नहीं तो पराठे। और बस मैं लगातार बच्चों को बुला रही हूँ कि जल्दी से आओ नाश्ता करो अपना। और इधर गाइस, मेरे दोनों चीज़ें चाय भी रेडी हो चुकी है, पराठे भी रेडी हो चुके हैं, बस थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो सारा काम फिर लेट ही होता रहता है। और आज फ्राइडे है क्योंकि फ्राइडे में टाइम से ही नमाज़ पढ़नी होती है। और बस नाश्ता करके मैं फारिग हो चुकी हूँ, बच्चों को करा के फारिग हो चुकी हूँ। इसके बाद गाइस, मैंने अपने पूरा घर क्लीन किया है और झाड़ू लगा कर बस मैं ये मॉप कर रही हूँ और बस काफ़ी स्पीड से कर रही हूँ गाइस। जल्दी जल्दी क्लीनिंग मैंने पूरी अच्छे से कर ली है, रूम एंड लिविंग रूम सब अच्छे से क्लीन कर लिया है बाहर से भी। बस मैंने सोचा अच्छे से बस आज मैं पूरे घर में अपने पोछा लगा देती हूँ, ये मॉप कर देती हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है, बस सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से हो जाए। और बस गई सोच रही हूँ मैं आज फ्राइडे में मैं चावल ही बनाती हूँ कि जल्दी बन जाते हैं क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है और फिर कुरान शरीफ भी पढ़ना होता है, तो इसलिए बच्चों से भी बोल रही हूँ मेरे के जल्दी से रेडी हो जाओ फटाफट क्योंकि बच्चों के भी तैयब की हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं ऊपर धूप में बैठे हुए, दोनों बच्चे स्कूल का वर्क कर रहे हैं, तैयब स्टडी कर रहे हैं। और इधर ये गाइस, मेरी मॉपिंग भी पूरी हो चुकी है, बस मैं बाहर का जो ये मेरा ओपन एरिया है वहाँ से करूँगी बस अब मैं। ये देखिए गाइस, आप पूरा लिविंग रूम में अच्छे से मैंने मॉप कर दिया है और बस अब मैं निकल रही हूँ बाहर, बाहर का देखती हूँ अब। और गाइस, आज मेरा मुझे फ्रिज भी अपना क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा मुझे वो गंदा लग रहा है, तो सोच रही हूँ बस गाइस मैं आ गई हूँ, सब कुछ अपना वहाँ का काम कंप्लीट करके मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं वेज तहरी बना रही हूँ। और ये देखिए गाइस आप, ये टमाटो है और ये सोयाबीन है, मूली है, गाजर है, आलू है, टमाटर है, हरी मिर्च है, इन सब चीज़ों की मैं तहरी बना रही हूँ गाइस आज। और ये इधर मैंने चॉप किए हुए मेरे ऑनियन है और जो मेरा जिंजर गार्लिक है और सौंफ है वो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये गाइस, मैंने अपने पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है और ये ऑनियन चॉप किया हुआ डाला है, ये अचार का मसाला है क्योंकि हस्बैंड को मटर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा आज मटर की तहरी बना लेती हूँ। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है मटर, ना ही बच्चे खाते हैं ना ही मैं खाती हूँ, मुझे मटर बहुत बुरे लगते हैं लेकिन हस्बैंड को अच्छे लगते हैं तो कभी कभी बना लेती हूँ। अब ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है अगर कोई चीज़ मुझे पसंद ना हो, उन्हें पसंद हो तो मैं ना बनाऊं, नहीं मैं बनाती हूँ, भले ही मैं ना खाती हूँ अलग कर देती हूँ बट मैं बनाती ज़रूर हूँ।
और जब मैं नहीं खाती हूँ तो बच्चे भी बिल्कुल नहीं खाते हैं। और ये गाइस मेरा जिंजर गार्लिक और सौंफ का पेस्ट है, इसमें मैंने छोटी सी दालचीनी की स्टिक भी ग्राइंड की है और 2 तेजपात की लीफ भी ली है। और ये वेज बना रही हूँ मैं, वेज तारी अच्छी लगती है सर्दियों में, नए आलू होते हैं और ये मटर और इस तरह के गाजर मूली टमाटर, इसमें टमाटर ज़्यादा डलते हैं जो वेज बिरयानी तारी होती है। और ये गाइस मेरी मिर्च है और मिर्च पाउडर डाला है मैंने, ये हल्दी पाउडर डाला है, समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा एक बार खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा लाओ तहरी बना लेती हूँ। और ये मेरे चॉप किए हुए टमाटर है गाइस, और बस मैं जल्दी से इनकी भुनाई कर रही हूँ, जल्दी से ये कुक हो जाए और फिर मैं इसके बाद जो मेरा ये जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी मैंने चॉप करके रख रखे हैं वो डालूंगी मैं। और ये मैं चॉप करके हरी मिर्च डाल रही हूँ, और गाइस पूरे 11 बज चुके हैं और बस मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ काम में, सोच रही हूँ जल्दी से काम पूरा हो जाए। देखिए गाइस मेरा ये अच्छे से कुक होता आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है इसमें, और बस मैं इसके बाद जो मेरे ये चॉप किए हुए वेज है मैं वो इसके अंदर डाल दूंगी। फिर उसे डालने के बाद भी पूरे 10 मिनट उसकी भुनाई करनी है, और भुनाई करते टाइम ही वो कुक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। बस उसके बाद फिर मैं इसके अंदर पानी डालकर जब पानी कुक हो जाएगा अपने राइस डाल देती हूँ, बहुत इजीली बनती है और बहुत कम टाइम में बन जाती है। और ये देखिए गाइस ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है, अब ये मैं चॉप किए हुए अपने ये सब डाल दूँगी जितने भी मेरे वेज है, सोयाबीन है, सोयाबीन को भी मैं अच्छे से चॉप कर लेती हूँ, बड़ी बड़ी सी होती है। ये देखिए गाइस आप इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ मैं, और इसी तरह ये कुक भी हो जाएगी और 10 से 5 मिनट पूरी भुनाई होती है। और मैं इसकी भुनाई भी कर रही हूँ बराबर इसी तरह, स्पून चला रही हूँ। और उसके बाद क्या इस तैयब की फरमाइश थी कि मम्मा आज मुझे अंडे के पकोड़े बना कर दो, मैंने कहा चलो बनाती हूँ, वरना मैं शाम में सोच रही थी, लेकिन तैयब बोले नहीं मुझे भी खाने हैं, मैंने कहा चलो फिर मैंने ये अंडे तो बॉईल कर लिए। इधर गाइस जो मेरा ये फ्रिज है रेफ्रिजरेटर है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा आज इसकी भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ मैं इसका सामान जो इसके अंदर रखा हुआ है, वैसे तो फ्रिज में सर्दियों में कम ही सामान रखा जाता है, आधे से ज़्यादा सामान मैं बाहर ही रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। और यहाँ पर मैं ये सारे इसके मैट हटाकर अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, इस पर मतलब स्क्रैच से आ जाते हैं पानी के इस तरह के। देखिए गाइस आप मैं अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ, एक सूखा कपड़ा लेके अच्छे से इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो भी इसके ऊपर ये स्पॉट्स थे और ऐसे निशान थे ये सब मैंने हटा दिए हैं। ये देखिए आप कितना साफ लग रहा है क्लीन होकर। मैंने सोचा इधर साइड में गैस पे भी वो रखा है मेरा, उसकी भुनाई चल रही है, मैंने सोचा लाओ इतने जल्दी से ये कर लेती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा उसमें पानी था, मैंने कहा टाइम लगेगा अभी उसे कुक होने में, इतने में फ्रिज कर लेती हूँ उसे ही। अभी कुछ दिन पहले तो मैंने किया ही था इसको गाइस,
लेकिन फिर भी हो जाता है। मैं दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ इसकी क्लीनिंग भी। देखिए गाइस, आपके अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो गया है। ऊपर वाले शेल पे थोड़ा सा पानी हो रहा है, उसे ही देख रही हूँ मैं बार बार। काफी मुझे ऐसा लग रहा है गीला सा, इसलिए बार बार उस पर ड्राई कपड़ा लगा दी हूँ। और ये अंदर से भी मैंने पूरा अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अब बर्फ वगैरह तो इसमें कुछ रखा नहीं, बस ये मैंने एक बॉक्स रख रखा है अपना, इसी में ही है बस। थोड़ा इससे कूलिंग सी रहती है। और ये देखिए गाइस, आप पूरा मेरा अच्छे से क्लीन हो रहा है। साइड में जो डोर है इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। जो इसमें सामान रखे हुए हैं सब अच्छे से देख रही हूँ बार बार, इनको नीचे से ऊपर से अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। गाइस, मेरा जो इसमें बॉक्स में सामान रखा है बस मैं वो ही रख रही हूँ इनको इसमें फ्रिज में अपने। अभी मेरा दूध भी गर्म नहीं हुआ है, मैंने कहा मैं बाद में करूँगी नमाज पढ़ने के बाद। यही देख रही हूँ मैं, क्योंकि चलो बाद में करूँगी इसको दूध को गर्म में, क्योंकि अब तो वैसे भी सर्दी है। देखिए गाइस, मेरा पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया है। और इधर आ गई हूँ मैं अपना, वो ही देख रही हूँ इसको अच्छे से, ये भी कुक हो गया है। ऑयल जो है ये ऊपर आ गया है, देखिए गाइस आप, काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे ये जितने भी इसके अंदर वेज हैं। और इसके बाद गाइस मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद इससे जब ये पानी कुक हो जाएगा, थोड़ा हॉट हो जाएगा, फिर हमें अपने चावल छोड़ देने हैं। हस्बैंड को मटर की तहरी बहुत अच्छी लगती है, और मटर की बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है। और इधर गाइस, मैं जो मैंने एक बॉईल किए हैं बस मैं वो ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इन्हें फ्राई भी करने हैं, बोले बेसन में करूँगी इनको फ्राई, अच्छे लगते हैं बच्चों को अंडे के पकौड़े, वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं गाइस। बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ, एक काम के बाद एक कर रही हूँ। मैंने सोचा इतने हमारा तारीख जो ये मैंने पानी डाला है ये हॉट हो, इतने में जल्दी से ये अपने जो मेरे ये एग है मैं इनको वो कर देती हूँ। और गाइस, मैं इधर आ गई हूँ, बस अब देखती हूँ ये जो मेरा, ये देखिए गाइस आप, पानी अच्छे से हॉट हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल छोड़ देंगे, डाल देंगे मतलब इसके अंदर अपने चावल।
तो गाइस मैंने अपने पूरे चावल इसके अंदर डाल दिए हैं और मैं अच्छे से इसको ऊपर नीचे मिक्स कर रही हूँ। और गाइस जो नमक है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं सब। ये देखिए गाइस मैं अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर रही हूँ और बस मैं अब इसे कुक होने के लिए रख देंगे। अब हम इसको कुक होने के लिए और ये 15 से 20 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा पूरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। और ये देखिए गाइस पूरे 20 मिनट हुए हैं और ये अच्छे से कुक हो गया है। देखिए आप 10 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखा है और 10 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है और इसी में ये अच्छे से कुक हो गया है। और देखें आप गाइस कितनी यम्मी लग रही है मेरी तहरी, दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। और आज फ्राइडे है, मैंने सोचा खाना भी भिजवा देती हूँ। और ये गाइस मैंने थोड़ा सा ये ऑनियन चॉप किया है, सैलेड बनाया है ऑनियन का। और इधर गाइस ये मेरे जो चावल है ये रखे हैं मैंने, इनको धूप लगाई है। आज फ्राइडे था और काम मेरे पास बहुत ज़्यादा थे। और इधर ही मेरी अच्छे से तहरी कुक हो चुकी है, इधर मैंने ये ऑनियन चॉप करके रख दिए। ये देखिए गाइस आप, और जो मेरे बर्तन है मैंने जल्दी जल्दी उन्हें भी वॉश करके रख दिया है। ये देखिए आप, इसी बीच मैंने अपने बर्तन भी वॉश करके रखे हैं। इसमें थोड़ा सा खाना भिजवा रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है। और दोनों बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, बस मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से आ जाओ लेकर आओ खाना। और इसके बाद गाइस मैंने अपने जल्दी से वो जो मेरे ये अंडे हैं मैंने उनको जल्दी से फ्राई किया है बेसन में। देखिए आप, मैं बहुत कम बेसन लगाती हूँ गाइस। और इधर मैं बच्चों के लिए उतार के लेके आ गई हूँ खाना, तो जब देकर आ गए थे। और इधर बच्चों के लिए, बच्चे नमाज पढ़ के फारिग हो चुके हैं, उसके बाद ही खाना खा रहे हैं। ये देखिए आप, उतार के लेकर आ गई हूँ मैंने इतने जल्दी से गाइस फटाफट। बस मैं ये जो मेरे दूध का जो ये मेरा भगोना है मैंने ये निकाला है इसके अंदर से, कि मैं इसमें दूध रख देती हूँ करके बाद में गर्म करती हूँ। अभी तो नहीं करूँगी लेकिन दूध गर्म करना है, बस छान के इसमें रखती हूँ। ये देखिए गाइस आप, कितने ज़्यादा आज बर्तन थे। और गाइस बस मैं नीचे से सारा काम ऐसे ही जो किया तो किया और बस मैं ऊपर आ गई थी नमाज पढ़ने के लिए। और इतनी जल्दी में आई कि मैं जा नमाज जो थी वो भी भूल गई थी। फिर मैंने सोचा चलो इसी मैट्रेस पे पढ़ लेती हूँ। इधर तेबा, मुझे मालूम नहीं था तेबा मेरी वीडियो बना रही है। बच्चे खाना खा के फारिग हो चुके हैं, अभी मैंने खाना नहीं खाया था, मैं इनके बाद में नमाज पढ़ने के बाद में ही खाऊंगी। मैं तेबा को देख रही हूँ, तेबा वीडियो बना रही है। तेवा बोली कि मामा पहले खाना खा लो। और इधर गाइस मैं खाना खा के फारिग हो चुकी हूँ। और ये जो मेरा किचन है इसे भी मैंने अच्छे से पूरी इसकी डीप क्लीनिंग कर ली है। देखें आप, पूरा क्लीन कर दिया है मैंने अपना किचन। नीचे से जो ये फर्श है इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इधर देखे गाइस मैंने अपना दूध भी गर्म करके रख दिया है। किचन क्लीन कर दिया है, बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं, बस आने वाले हैं बच्चे भी ट्यूशन से। गाइस ये देखिए गाइस आप, बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं।
चल रहे थे बातों तेब गए हुए हैं शायद। और ये देखे गाइस आप, तेब को देख रही हूँ, तेब गए हुए हैं शायद कहीं बाहर। और देखे गाइस पूरा दिन घर के काम में कैसा बिजी रहते हैं सब। ये देखे गाइस आप, टेबल मसरूफ़ है अपने मोबाइल में। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।